बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चोधरवा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार के अहले सुबह छापेमारी कर कारोबारी के घर से 2 लीटर चुराई शराब बरामद की गई। वहीं थाना प्रभारी दुलाल चंद राम ने बताया कि शराब कारोबारी की पहचान थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरा निवासी छोटे यादव के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2018 के तहत कांड संख्या 102/21 दर्ज कर जेल भेज रहे हैं। ऑनलाइन भारत के लिए कुंदन यादव की रिपोर्ट। बगहा पुलिस जिला के चियुटाहा थाना ओपी क्षेत्र स्थित कदमहवा गांव की बेटी ममता के बलात्कार एवं निर्मम हत्या से ग्रामीणों और छात्र छात्राओं में आक्रोश। ग्रामीण और छात्र छात्रा समेत सड़क पर उतरा जनचला। बगहा शुगर मिल से एसपी ऑफिस तक की गई पैदल यात्रा। आपको बताते चले कि ग्रामीणों द्वारा न्याय की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन के कार्य से संतुष्ट नहीं ग्रामीण। लोगों ने की कातिल को फांसी देने की मांग। आदिवासी संघ के अध्यक्ष श्री दीप नारायण महतो, सोन बरसा, कदम हवा के मुख्य गोरख और राव, सीएससी ब्लॉक अध्यक्ष शशिकांत कुमार गुप्ता, छात्र छात्राएं इस दरमियान विधायक श्री राम सिंह, एसडीएम, एसपी, एसडीपीओ के साथ लगभग 1000 लोग थे। अभी तक हमसे प्रशासन से क्वेश्चन है कि अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है? 7 दिनार जिनका कम होता है किसी को पकड़ने में, कितने में तो लोगों को बम से उड़ा दिया जाता है या फिर बहुत बहुत बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। अभी पुलिस की जो कार्यशैली है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं। क्या मांग करती हैं आप लोग सरकार से, क्या मांग करती हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी एसपी हैं उनको ट्रांसफर किया जाए और यहाँ पे ऐसे एसपी को लाया जाए जो थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाए और यहाँ पे ऐसे एसपी को और थाना अध्यक्ष को लाया जाए जो इस एरिया को एक सुचारू रूप से चला सके। ऑनलाइन भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।